नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव तिवारी। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बिहार में राज कानून का है या फिर अपराधियों का। घटना को देखते ही आपकी रूह कांप उठेगी, लेकिन उससे पहले जरा आप इन दबंगों की दबंगई को देखिए। इस वीडियो की हर हकीकत से हम पर्दा उठाएंगे ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर बिहार में कानून का राज है या फिर दबंगों का। आखिर किस तरह से ये दबंग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनाब, यह वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि बिहार के सुपौल जिले के निर्मली थाने के निर्मली नगर का है, और जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है वह गल्ला व्यापारी शिव नारायण महतो है। जैसे हमारे दुकान के इर्द गिर्द घूम रहा था, आते ही वह लाठी और क्या नाम है गाड़ी का रड लेकर के हमको जैसे पैर पे मारने लगा। और शख्स की पिटाई करने वाला और कोई नहीं, निर्मली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के गुंडे। यहाँ के व्यापारियों की माने तो पंचायत के मुख्य पार्षद के बेटों की गुंडागर्दी से यहाँ के व्यापारी दहशत में कि रड तो मुझे डर हो गया तो मैं घर से बाहर नहीं आया। मैं एक गला व्यापारी हूँ, इसी के साजिश के तहत जो है सो मेरा व्यापार बंद करने के लिए वे बार बार मुझे मेरे घर पर धमकी देता है कि तुम व्यापार बंद करो नहीं तो तुमको मर्डर कर देंगे। दिन दहाड़े मारपीट किया गया है, कान दर्ज कर किया गया, अनुसंधान किया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है। कितने लोगों को नामजद किया गया है? 4 लोगों को नामजद किया गया है, अन्य अज्ञात। गिरफ्तारी कितने दिनों में हो जाएगी? गिरफ्तारी के प्रयास किया जा, गिरफ्तारी किया जा रहा है। उनके खिलाफ बलात्कार, लूट और सरेआम लोगों से मारपीट करने जैसे कई मामले पहले से ही दर्ज हैं, और अब वो इलाके में आतंक बन चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। फिलहाल गंभीर रूप से घायल व्यापारी का इलाज चल रहा है, लेकिन इस दबंगई ने सुपौल ही नहीं पूरे राज्य के प्रशासनिक महकमे को एक बड़ी चुनौती दे दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कब तक पीड़ित को न्याय दिलाने में प्रशासन कामयाब हो पाएगा, क्योंकि आम जनता ही सुरक्षित नहीं होगी तो भला इस तंत्र का क्या काम। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम नई जानकारी के लिए आप लगातार बने रहें citypostlive.com के साथ। धन्यवाद।